नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भी सौती और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल भी सौती ब्लॉग में। आज है रविवार, हम लोग आए हैं बाइक सर्विस सेंटर में बाइक सर्विसिंग के लिए। बाबा के पापा का यानी जॉइंटो का जो बाइक है उसको सर्विसिंग के लिए हम लोग आज लाए हैं। ज्यादा धूप है और गर्मी है इसलिए ओढ़नी तो मैं अपने सर से उतार नहीं सकती हूँ और काला चश्मा भी नहीं। वो पीछे खड़े हैं वो लोग, और ये जो रास्ता है इसे जीटी रोड कहते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मैं नई तरीके से क्या बताऊं। हमारे यहाँ पे इतना ही बड़ा है और मुझे ना यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हर बार जितनी बार आती हूँ मुझे उतना बार ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गए तो थे, लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था कि मैं कुछ भी वीडियो नहीं कर पाई। तो उसके बाद आए हम मार्केट। लोगों को तो पता ही है पूरे हफ्ते की सब्जी का जो मार्केट है वो हम लोग आज यानी संडे को ही करते हैं, तो ये हम लोग तो छोड़ नहीं सकते। तो मैं भी बाबा के पापा के साथ आलू चुनने लगी, अच्छे अच्छे आलू, और उसके बाद हम लोगों ने चुना प्याज। इतना अंधेरा लग रहा था ना ब्लैक कलर का चश्मा पहन के, तो मैंने वो ऊपर सर पे उठा लिया और इसके बाद आलू चुनने लगी। और फिर आई कांदे की बारी। इस हफ्ते कांदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, फिर भी उनमें से चुन चुन के जितने भी अच्छे वाले निकले वो बाबा के पापा ने और मैंने मिल के उठा लिया और थोड़ा सा लेके चले आए। आया शिमला मिर्च की बारी, हम यहाँ पे इसे कैप्सिकम कहते हैं। तो मार्केट से निकल गए, फ्रूट खरीदना बाकी रह गया था तो हम फ्रूट खरीदने जा रहे हैं। गर्मियों में यहाँ पे ऐसे ही ढेर सारी मिट्टियों के हांडी दिखाई देती है। अब ये है फ्रूट और अब पहुँच चुके हैं फ्रूट्स लेने। फ्रूट्स का कितना दाम हो चुका है, लेकिन बाबा के पापा तो लंच में फ्रूट्स ही खाएंगे तो फ्रूट्स लेना ही पड़ेगा, और चुन चुन के फ्रूट्स भी ले। और फलों का राजा मार्केट में आ चुके हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, आप लोग देखिए ना। जो लोग आम खाते हैं उनको अच्छा लगेगा। तो बाबा के पापा के लिए ले लिया है कुछ फ्रूट्स और अब जाएंगे माँ के घर। नाउ हम पहुंच चुके हैं माँ के घर और माँ बाहर ही खड़ी थी। हम लोगों ने सोचा था कि घर में आके ही खाना खाएंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि आप आज आप दोनों यहीं पे खाना खा लो। तो ये तो मेरे मतलब बहुत अच्छे टाइम हो गए हैं कि आज मम्मी के घर में खाना मिल गया। खैर कोई बात नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मम्मी के घर में आज दोपहर का जो लंच है वो करने का मौका मिला। वैसे कोई तो प्लान प्रोग्राम था नहीं। और ये जगह मैं आपको किस लिए दिखा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताती हूँ। यहाँ पे भैया और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं, देखिए वो लोग चिकन खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ अंडा करी, और मम्मी तो वेज ही खाती है तो वो इसके बाद वेज खाना लेके बैठी। मम्मी के घर किस लिए आई हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये रहा आज मम्मी के घर में आने का कारण। मम्मी के लिए नया फ्रिज लेना था, कुछ दिन हो चुके हैं मम्मी का फ्रिज खराब हो चुका है। मैं आपको मम्मी का जो पुराना फ्रिज है उसका हाल ये हो चुका था, वाला पार्ट जो है वो खुल के नीचे गिर गया, तो नया फ्रिज लेना ही सही था, तो इसलिए आज जाके हम लोग लेके आए वो वाला। लेने के लिए जो भैया आए थे वो अकेले ही आए थे, तो उनको तो मदद करना ही था, और मेरा बेटा ये सब काम करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो ये रहा नया वाला फ्रिज, मम्मी को बहुत पसंद आया है। और मैंने आपको किसी वीडियो में पहले भी बताया था कि मम्मी को मेरी लाई हुई हर चीज ही पसंद आती है। तो अच्छा, तो हम चलते हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और मम्मी का ये टाटा बहुत दिन मैंने वीडियो में नहीं दिया था, तो आज आप लोग फिर से देखिए वो वाला टाटा। इस बच्चे का नाम है बीटो, मम्मी के पड़ोस में ही ये रहता है। दोस्तों हम लोग घर लौट के आ चुके हैं और आके मैंने ड्रेस वेस भी चेंज कर लिया और नहा भी लिया है। वैसे नहा के एक बार गई थी, फिर से आके दोबारा नहा लिया है। और यहाँ मैं बाबा के पापा के लिए फल रेडी कर रही हूँ, वो लंच में फल ही खाते हैं और खाएंगे, तो यहाँ पे मैं वो रेडी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो के बचे हुए फिर छिलके पास ही में रहते बकरियों को मैं दे के आती हूँ। और हो चुकी है शाम, अब हमारे घर में लगने जा रहा है इन्वर्टर। तो रातों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होता है यहाँ पे, मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया था।
इस गर्मी में ना इस लोड शेडिंग के कारण बहुत सी रात ऐसे गुजरी है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। तो बाबाई के पापा ने कहा कि इस बार इन्वर्टर लगा ही लेते हैं। वैसे बहुत सालों से हम लोगों का ये प्लानिंग था कि इन्वर्टर लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन इस साल हो ही गया। तो लीजिए, काम कंप्लीट हो चुका है। और पता है आपको इन्वर्टर लगाते लगाते भी कितनी बार बिजली गई है? मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे यहाँ पे बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इन्वर्टर से थोड़ी सी राहत है, लेकिन इसका जो साउंड है ना वो दिमाग को खराब कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और ये एकदम मेरे जो घर का जो मिडिल वाला घर है उसमें है, इसलिए ही प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो खैर इसके बाद प्रोग्राम है थोड़ा सा बाहर घूमने का, और आज मैं कुछ खाना नहीं पकाया है मैंने अलग से, तो खाना लेके चली आऊंगी। और मम्मी के घर में दोपहर में हम लोगों ने खाना खा लिया था, शायद आज जो रोटी है या कुछ भी हो, खाना घर में लेके आएंगे कि बाहर खाएंगे, अभी तो कुछ प्लान प्रोग्राम बना है नहीं, तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है वो तो आप लोग साथ में रहेंगे और देखेंगे ही। तो अब आ चुके हैं इस दुकान के सामने। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में ये दुकान बार बार ही देखा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से खरीदते ही रहते हैं, रोटी जब खाना होता है तो यहाँ चले आते हैं। फिर से आ गए हैं यहीं पे और यहाँ से ले रहे हैं रोटी। और मेरा बेटा जब भी यहाँ आता है तो चाय जरूर पीता है, यहाँ का बहुत अच्छी चाय बनती है। यहाँ का भीड़ देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, बट कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ जो शाम होते ही ना हर कोई यहाँ पे थोड़ा सा गपशप करने आ जाते हैं, तो इतना ज्यादा भीड़ इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों घर लौट के आ गए हैं और अब खाना वाना खाएंगे। तो ये है हमारा रात के डिनर, रोटी और दाल तड़का साथ में प्याज, और ये मेरा बहुत फेवरेट खाना है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने माँ के घर के लिए एक फ्रिज ले लिया है, और हमारे घर में भी इन्वर्टर लग गया है, तो अब से बिजली की जो समस्या है वो हमारे घर में समाधान हो चुका है उसका। और मन के बहुत ज्यादा शांति है माँ को जो फ्रिज है वो देने के बाद। इतनी गर्मी में, हमारे यहाँ पे गर्मी इतना ज्यादा रहता है कि अगर फ्रिज ना हो तो ना मतलब इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये दिल को थोड़ा सा सुकून है, उनका फ्रिज हो गया है, नया वाला फ्रिज, और ये देखे मेरे मन को बहुत ज्यादा शांति है। तो आज का जो वीडियो है वो यही समाप्त करूंगी, और आप लोग मेरे वीडियो में जरूर बने रहेगा। मैं डिले में वीडियो कर रही थी क्योंकि कुछ घर के हालात ही ऐसे थे, और इसके बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपना होम टूर दूंगी, तो मैं जरूर दूंगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो, आप मेरे वीडियो नए देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, और आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा। ये बहुत मिस करते हैं आप लोग, मुझे पता है, इसलिए मम्मी फिर से टाटा कर रही है आप लोगों को।